अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अर्शिया, योर केमिस्ट्री टीचर, ट्रोब्रियल स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक पार्ट टू है, विच इज़ द वाटर। अब वाटर में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर सबसे पहले हम देखेंगे होता क्या है। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जो कि अब वो क्या करते हैं, जब भी उसको जैसे साबुन लगाया जाता है या उसमें साबुन को मिक्स किया जाता है तो वो क्या उसकी झाग बना देता है। अब ये सोप के साथ क्या है कि वहाँ पर झाग बना देता है। और जैसे कि हम कहते हैं कि सॉफ्ट वाटर में डिस्टिल्ड वाटर आ जाता है, रेन वाटर आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स आयंस वगैरह कम होते हैं इस वजह से। जबकि हार्ड वाटर क्या है, ये जब भी पानी में मतलब कोई कपड़े धो रहे हों तो वो वहाँ पर उसकी झाग नहीं बनाता, ठीक है। सोप के साथ उसकी लेदर फॉर्मेशन नहीं होती। अब इसमें सी वाटर आ जाता है, रिवर वाटर आ जाता है, एंड टैप वाटर आ जाता है, कुछ टैप वाटर भी ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर जो है वो गिव लेदर विथ सोप एंड डज नॉट फॉर्म स्कम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। स्कम क्या होते हैं, वो जब आप कभी नोट करें कि कपड़े धुल रहे हो तो साबुन उस पर लगाया जाए या सर्फ या डिटर्जेंट जो भी उसके साथ लगाया जाए तो वो उसके साथ क्या है कि वो झाग बनाने के बजाय वहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है। जबकि जो हार्ड वाटर होता है वो वहाँ पर झाग नहीं बनाता और वहाँ पे स्कम बनाना शुरू कर देते हैं। अब रेन वाटर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब डिसॉल्व करते हैं अपने अंदर तो वो एटमॉस्फेयर में फॉल करती है और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जनरेट करती है। तो कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड होता है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जब कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स बनाने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स बना रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। अब ये जो होते हैं ये कार्बोनेट्स वाटर के थ्रू पास करते हैं रॉक्स में, और जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, और वो अटैक कर देते हैं उन रॉक्स पर, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाते हैं। अब कुछ रॉक्स जो होते हैं उसके अंदर जिप्सम भी होता है। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू और एंड और साथ में कैल्शियम, इसे एनहाइड्राइड भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो है एनहाइड्राइड होता है, या केसराइड जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है ये भी हाइड्रेटेड होती है, इसमें 1 मोल ऑफ वाटर होता है। अब ये वाटर में सॉल्बल होते हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से सॉल्ट क्या कर देते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट करते हैं, बिकम हार्ड, वो हार्ड वाटर हो जाते हैं। अब यहाँ पर रीज़न बताई हुई है कि हार्ड वाटर में एक्चुअली होती क्या है। अब हार्ड वाटर में या तो कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स उसमें होते हैं, या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि हार्डनेस उसकी बढ़ा रहे होते हैं, हार्डनेस बनाते हैं। अब यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट देखते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो है टू टाइप्स की होती है, टेम्प्रेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रेरी हार्डनेस जो रिमूव हो सकती है बाय बॉइलिंग। अब यहाँ पर क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, तो वो जब बॉयल किया जाता है वो नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और वाटर जो सॉफ्ट वाटर में मिल जाता है। जबकि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो रिमूव इजीली नहीं होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स। अब यहाँ पे क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व्ड इन वाटर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी लिंकेज बहुत स्ट्रांग होती है और वो वहाँ से प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो सकते, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है वो इजीली वहाँ से अलग हो सकते हैं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर और सॉफ्ट वाटर अगर देखें तो हार्ड वाटर क्या होते हैं, वाटर दैट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। अब इसमें आयन कौन से होंगे, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बाइकार्बोनेट्स होंगे या कार्बोनेट्स होंगे। जबकि जो सॉफ्ट वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर इज अ ट्रीटेड वाटर विच डज नॉट कंटेन अ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, इसमें मिनरल्स नहीं होते ज़्यादा। अब यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो वो नेचुरल रिसोर्सेज से इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे लाइमस्टोन होता है, रॉक्स वगैरह जहाँ पर भी, तो वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज से इनके अंदर मिक्सअप होते हैं। अब यहाँ पर
प्रोड्यूस्ड अब ये सॉल्ट वाटर कैसे बनते हैं, आयन एक्सचेंज यूजिंग सोडियम रेजिन्स जो होते हैं ये इनको यूज़ करते हुए इनको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, इसके आयन्स को वहाँ से ख़त्म करवाया जाता है। अब ये इसमें आयन जो मेनली होते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम कैटाइन्स होते हैं, अब जबकि सोडियम कैटाइन्स विथ सम अदर आयन्स सच एस क्लोराइड एंड आयन्स ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्ट वाटर में जैसे NaCl वगैरह। जबकि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हार्ड वाटर के हेल्थ बेनिफिट्स ड्यू टू मिनरल कंटेंट, अब ये हेल्थ के लिए तो अच्छे होते हैं क्योंकि मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मिल रहे होते हैं। अब स्केल फॉर्मेशन ड्यूरिंग बॉइलिंग, अब ये क्या होता है कि स्केल फॉर्मेशन कर देते हैं बॉइलिंग के टाइम पर, क्योंकि जब बॉइलिंग बॉयलर्स जो होते हैं उसमें स्केल फॉर्मेशन जब हो जाती है तो उनके फटने का खतरा हो जाता है। प्रॉब्लम्स इन प्लम्बिंग, मतलब वही वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केल फॉर्मेशन हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रॉयलर्स के फटने का खतरा होता है। अब ये नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, हाई इफेक्टिवनेस फॉर क्लीनिंग एजेंट्स, सॉल्ट वाटर जो है वो क्लीनिंग एजेंट होते हैं लेकिन ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इनमें मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स आयंस नहीं होते जो कि हमारी हेल्थ को चाहिए। और इसके अलावा ये ज़ाहिर है प्रोसेस से गुजर होकर इनको डिस्टिल किया जाता है, इसलिए हेल्थ के लिए ऐसे बेनिफिशियल नहीं है। अब हार्ड वाटर जो है वो कंटेन डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल, अब ये इसमें नहीं होते। इसी तरह ये लेदर फॉर्मेशन करते हैं जबकि ये नहीं करते, जबकि सॉफ्ट वाटर करते हैं। अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोप इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वॉशिंग, अब हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है जबकि सॉल्ट वाटर में बहुत कम चाहिए होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हार्ड वाटर इज़ एलिवेटेड, अब ये क्या कि इसमें इतने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनका हार्ड इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब मोर फ्यूल इज़ कंज्यूम्ड इन कुकिंग, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि लेस फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड। अब ये सेम वही चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। अब आपके पास जो आप लोगों की असेसमेंट है वो आप लोगों ने करनी है, ये आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट 15.2, ठीक है, ये आप लोगों ने करके लानी है और इसको मेमोराइज़ करना है, जो भी क्वेश्चंस हैं देन उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, देन ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ ये दो तीन ही टॉपिक इंक्लूडेड है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।